बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं कक्षा 6 इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक बच्चों करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले बच्चों मैं आपको 3 चैप्टर्स करवा चुका हूँ, यानी कि इसकी 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें बच्चों दैनिक जीवन में विज्ञान, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, और ये बच्चों आपके 3 चैप्टर्स थे अप्रैल और मई के। और इसके अलावा जुलाई में आपका तंतु से वस्त्र तक है। चौथा जो चैप्टर है आपका बच्चों वो अक्टूबर में पढ़ाया जाना है। इसके अलावा जुलाई में आपके 2 चैप्टर्स पढ़ाए जाने हैं, तंतु से वस्त्र तक और जीव जगत। तो ये मैं आपको जून में ही पढ़ा दूँगा ये दोनों चैप्टर्स। उसके बाद जीवों में अनुकूलन जो है अगस्त में, और इसके अलावा अक्टूबर में पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, और इसके अलावा आपका अगस्त के बाद सितंबर में आपके गति ऊर्जा, ये मतलब कहने का मतलब पूरा का पूरे आपके 17 चैप्टर्स जो हैं वो आपके मासिक विभाजन जो दे रखा है आपकी किताब में उसके अनुसार मैं आपके कराते हुए चल रहा हूँ। तो आज जो 5th चैप्टर है ये जुलाई के मंथ में आपको करवाना था मुझे, लेकिन मैं आज आपको शुरू कर दे रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं तंतु से वस्त्र तक। देखिए यहाँ पर तंतु से वस्त्र तक जो आपका लिखा गया है कि हम किस प्रकार से रेशों से वस्त्रों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से रेशों से वस्त्रों का निर्माण होता है ये हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे पादप रेशे क्या होते हैं। पादप रेशे कपास है, जूट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे। रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए ये हम लोग जानेंगे। सूती धागे की कताई, धागे से वस्त्र बुनाई और इसके अलावा बंधाई किस प्रकार से की जाती है। वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय, मतलब ये आपको बताया जाएगा। कहने का मतलब इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, स्पेशली कपास और जूट के बारे में आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे बगल में एक दुकान आप देख रहे होंगे, ये दुकान जो है कपड़ों की दुकान है। और हम लोग बाज़ार में अक्सर जो है होली दिवाली और बहुत सारे त्यौहार पर्व और बहुत सारे फंक्शन हमारे घर में होते रहते हैं, जिसमें हमें नए नए कपड़ों को ख़रीदने की आवश्यकता होती है और हम लोग कपड़े पहनते हैं और उनको ख़रीदने के लिए हम बाज़ार में जाते हैं। लेकिन हम जानते नहीं हैं बच्चों कि वो कपड़े किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से पौधों से जंतुओं से हम लोग जो है कपड़ों का निर्माण करते हैं और वो कैसे होते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखिए दीपावली का त्यौहार आने वाला था, कक्षा में बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। एक शिक्षिका ने कक्षा में प्रवेश किया, बातचीत का कारण पूछने में पता चला कि त्यौहार पर पहनने के लिए नए परिधानों के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। बच्चे चर्चा कर रहे थे क्लास में, तभी रितु ने खुश होकर शिक्षिका को बताया कि वह माँ के साथ बाज़ार गई थी। उसने अपने लिए कढ़ाईदार रेशमी क्या खरीदी है, सलवार, कुर्ता और क्या जॉर्जेट का दुपट्टा, और भाई के लिए कुर्ता पैजामा खरीदा है। शिक्षिका ने रितु से पूछा, क्या आपकी माँ ने घर के लिए भी कोई सामान खरीदा है। रितु ने बताया, हाँ माँ ने चादर, पर्दे, पावदान, कालीन, दिए की बाती बनाने के लिए रुई खरीदी है। शिक्षिका ने बच्चों से पुनः पूछा, क्या कभी आपने जानने की प्रयास किया कि कपड़े, चादर, पर्दे, पावदान आदि वस्तुएं किन चीज़ों से बनाई जाती हैं। ये सभी वस्तुएं मूल रूप से रेशों की बनी हुई हैं, और ये रेशे अलग अलग प्रकार के पौधों से अलग अलग प्रकार के पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या देखा। यहाँ पे एक शिक्षिका जो थी उन्होंने बच्चों से पूछा, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके घर में इतने सारे कपड़े आप लोग पहनते हैं, वो सारे के सारे कपड़े बच्चों कैसे बनाए जाते हैं। तो आज आपका जवाब आएगा, सर जी रेशों से बनते हैं। लेकिन वो रेशे जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं। रेशे बच्चों पौधे के विभिन्न भागों से आते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं आगे कैसे। इस इकाई में हम लोग बच्चों पादप रेशों से बने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों और उनसे प्राप्ति स्रोतों तथा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया पे
चर्चा करेंगे। कहने का मतलब इस पूरी इकाई में हम पादप रेशों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो पादप रेशा है हमारा वो है कपास व जूट। चलिए बात करते हैं। देखिए, आप अपने माता पिता के साथ रेडीमेड वस्त्र खरीदने के लिए दुकान अवश्य गए होंगे। वहाँ पर आपने विविध प्रकार के सूती, रेशमी, ऊनी, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि वस्त्रों को देखा होगा। बच्चों, देखा कि नहीं देखा? आपने देखा होगा। इनमें से कुछ वस्त्र पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त रेशों से बने होते हैं। और देखिए, पौधों से होते हैं कुछ वस्त्र और कुछ जंतुओं से होते हैं, और कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशों से बने होते हैं। पौधों के किसी भाग जैसे तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे या पादप रेशे कहे जाते हैं। कुछ पादप रेशे तथा उनके प्राप्ति स्रोतों का तालिका 5.1 में प्रदर्शित किया गया है। इनके यहाँ पर जो हमें समझना क्या है, अब यहाँ पे एक शब्द निकल कर आया बच्चों, उसको समझना है हमको। ये पादप रेशे क्या होते हैं और प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, ठीक है? देखिए, प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं बच्चों, जो प्रकृति से हमें मिले, है ना, प्रकृति हमें दे, कुदरत हमें दे, वो कहलाते हैं पादप रेशे। देखिए, पादप मतलब होता है पौधे, पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। और पौधे क्या हैं? प्राकृतिक हैं, तो इसीलिए पादप रेशे क्या हुए? प्राकृतिक रेशे हुए, ठीक है? अब एक तालिका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और उस तालिका को देख के आप और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ और पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ये तालिका पे हम लोग गौर फरमाएंगे। देखिए, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशों को हम क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। यहाँ देखिए, अब ये होते हैं जांतव रेशे। मैंने आपको पढ़ाया पहले पादप रेशे, अब मैं बोल रहा हूँ जांतव रेशे। देखिए, जांतव रेशे क्या होते हैं? जंतुओं, जांतव मतलब जंतु, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे। अब जंतु क्या हैं? प्राकृतिक होते हैं, कोई मानव तो उसे बनाता नहीं है बच्चों। अब जैसे भेड़ है, भेड़ क्या मानव बना रहा है? नहीं, भेड़ तो प्राकृतिक है, है ना, प्राकृतिक है। इसलिए भेड़ से प्राप्त जो बाल होंगे, उससे जो हमें ऊन मिलेगी, वो क्या होगी? वो प्राकृतिक होगी, इसीलिए उसको हम जांतव रेशे कहेंगे, ठीक है? तो जांतव रेशे मतलब जंतुओं से प्राप्त होने वाले, और पादप रेशे मतलब पौधों से प्राप्त होने वाले, और ये दोनों रेशे जो हैं वो प्राकृतिक रेशे हैं। ऊन भेड़ के बालों तथा रेशम के धागे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रेशों को मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है। देखिए, कुछ रेशे ऐसे होते हैं बच्चों जिसको मनुष्य जो है कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के, यहाँ पे एक शब्द आपको आया हुआ है जिसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये जो शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पेट्रोलियम उत्पादों से। पेट्रोलियम क्या होता है बच्चों? पेट्रोलियम समुद्र के अंदर से निकाला जाता है, गाढ़े रंग का काला तरल पदार्थ होता है, ठीक है? इससे बहुत, इसे काला सोना भी कहते हैं, काला तरल सोना, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इसको। और ये तरल अवस्था में होता है, इसलिए तरल भी बोलते हैं इसको। तो इसी, इससे बहुत सारे हम कृत्रिम रेशे भी बनाते हैं। तो मनुष्य क्या करता है? कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात, क्योंकि देखिए फैक्ट्रियों में इसका निर्माण किया जाता है, बहुत सारे जटिल परिवर्तनों के, रासायनिक परिवर्तनों के दौरान अभिक्रियाएँ की जाती हैं, और तब जाके जो है हमें संश्लेषित रेशे प्राप्त होते हैं, यानी कि मानव निर्मित रेशे प्राप्त होते हैं, और इन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। यानी संश्लेषित रेशे मतलब, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, निर्मित करना। और कौन बनाएगा बच्चों? मानव बनाएगा। तो मानव द्वारा निर्मित रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, ठीक है? और प्रकृति से प्राप्त रेशे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे मानव ने कौन कौन से रेशे बनाए? नायलॉन बनाया, पॉलिस्टर और रेयन बनाया, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे एक तालिका दी गई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुछ रेशे दिए गए हैं, जैसे रुई है, जूट है, फ्लैक्स है, नारियल जटा है,
ठीक है। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब बच्चों क्या है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब रेशे हैं। अब रुई जो है वो किस पौधे से प्राप्त की जाती है, कपास के पौधे से, ठीक है। और ये कपास के पौधे के कौन से भाग से प्राप्त की जाती है, कपास के पौधे के बीजों से प्राप्त की जाती है, यानी कपास का पौधा जब लगता है तो उसमें बीज जो होते हैं उससे ही प्राप्त की जाती है। जूट जो है पौधे कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है, पटसन का पौधा या सनई का पौधा होता है। उस पटसन के पौधे का कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है जूट को प्राप्त करने के लिए, तनों का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैक्स अलसी के पौधे से प्राप्त की जाते हैं, और अलसी के पौधे का जो तना होता है उससे हम फ्लैक्स को प्राप्त करते हैं, फ्लैक्स रेसा। नारियल जटा नारियल से प्राप्त की जाती है, और नारियल क्या है बच्चों, नारियल एक फल है, क्या है, फल। तो समझ में आ गया आपको, बीजों से प्राप्त किए जा रहे हैं, तनों से प्राप्त किए जा रहे हैं, फलों से प्राप्त किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आइए अब पादप रेशों से निर्मित वस्त्रों की चर्चा करें। देखिए पादप रेशों से निर्मित जो वस्त्र होते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं सूती कपड़े की कतरन है, ये एक देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति कपड़े के धागे खींच रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कपड़ा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैसे बना है, ये पूरा का पूरा कपड़ा बच्चों धागे से बना है, और ये धागे इसमें निकाला है। और ये धागे किससे बने हैं, ये धागे छोटे पतले पतले रेशों से मिलके बने हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए इसको ध्यान से। आपने घर के निकट किसी दर्जी के दुकान पर की कतरन एकत्र कीजिए, चाहे तो अपने घर पे कोई कपड़ा हो उसको एकत्र कीजिए, कतरन को कपड़े की पत्ती कतरन को स्पर्श करके उसका अनुभव कीजिए। जब आप कतरन को स्पर्श करेंगे अनुभव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसकी जो बनावट है उसका जो टेक्सचर है उसका महसूस होगा आपको। कपड़े की कतरन पर सूती रेशमी ऊनी और टेरिकोट आदि का लेवल लगाने का प्रयास कीजिए, और इनमें से अब किसी सूती कपड़े के सूती कपड़े इनमें से अब किसी सूती कपड़े कतरन को हैंड लेंस की सहायता से देखिए। देखिए हैंड लेंस क्या होता है, जो एक लेंस होता है जिसमें दिखाई देता है इस तरीके से, है ना, ये क्या होता है, ये हैंड लेंस होता है। इस हैंड लेंस की सहायता से जब हम देखेंगे तो हमें बड़ा दिखाई देगा, है ना। ये क्या होता है, जूम कर देता है बड़ा, जैसे हमारे पास लेंस होता है ना उससे हम यदि हम अपने किताब के अक्षरों को देखेंगे तो अक्षर बड़े दिखाई देंगे। तो एक हैंड लेंस की सहायता से हमको देखना है तो किस तरह का दिखाई देगा, हैंड लेंस से जब हम देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा बच्चों, इस तरह से दिखाई देगा कि किस तरह से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्रियाकलाप है ये, इस क्रियाकलाप में हमको जो है अलग अलग प्रकार के कपड़ों की कतरन इकट्ठी करनी है और फिर उनको हैंड लेंस की सहायता देखना है कैसे दिखते हैं। तो आपको जैसे कि रेशमी जो कपड़े होंगे, सूती कपड़े होंगे, रेशमी ऊनी और टेरिकॉट, ये सब अलग अलग तरह के दिखाई देंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब इससे पहचान सकते हैं हम कि कई तरह के कपड़े होते हैं। आगे देखिए, आप देखेंगे कि प्रत्येक कपड़े में अनेक छोटे छोटे रंध्र उपस्थित होते हैं। रंध्र क्या होते हैं, रंध्र मतलब छिद्र, क्या बच्चों, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। और इस सूती कपड़े के एक सिरे से किसी पिन अथवा सुई की सहायता से कुछ धागों को खींचकर बाहर निकालिए, आप देखेंगे कि यह वस्त्र कई धागों के एक दूसरे में मिलकर बुने जाने से बना है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वस्त्र अनेक धागों के संयोजन से बनता है। यानी कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, यहाँ से एक एक धागा निकालता जा रहा है। यदि आप ये सारे धागे निकाल दें तो बहुत सारे धागे हो जाएंगे, और इन्हीं धागों को मशीन के द्वारा या मनुष्य के द्वारा क्या होता है,
उसको क्या किया जाता है, संयोजन किया जाता है, और वो संयोजन करने की इस मतलब मिलकर बुने जाने से बनाया है, यानी बुने जाते हैं आपस में, क्या किए जाते हैं, बुने जाते हैं, बुने जाने से ये कपड़े का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज़ देखिए, आगे देखिए। अब प्रश्न उठता है कि ये धागे किससे बने होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया, आपने देखा वस्त्र अलग अलग प्रकार के, रेशमी, ऊनी, टेरिकॉट, ये जो वस्त्र थे इनमें से आपने क्या निकाला, ये सब निकाले, निकलने पे ये जो निकले इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको धागा बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो धागे हैं, मतलब जो धागे हैं ये किसके बने हैं, वस्त्र तो बने हैं धागों के और धागे किससे बने हैं, अब ये वाली बात आ गई। चलो देखते हैं, धागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना, यानी कि एक धागा जो हमने निकाला है उसी धागे को और पतले पतले हमने तंतुओं में वो करना है, क्या करना है, विखंडित करना है, यानी उनमें से और पतले पतले रेशे जो हम निकालेंगे, पतले पतले और धागे निकालेंगे, उन्हीं पतले पतले धागों को हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हीं को हम रेशा कहेंगे, क्या बोलेंगे, रेशा। चलिए आगे पढ़ते हैं, इधर एक क्रियाकलाप के माध्यम से और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। सूती वस्त्र से निकाले गए एक धागे को मेज पर रखिए, धागे के एक टुकड़े को बाएं अंगूठे से दबाकर धागे के टुकड़े के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई की अनुदिश मतलब उसी दिशा में जिस लंबाई में हमने इसको रखा है, दाएं अंगूठे के नाखून से खरोचिए। देखिए हम क्या करेंगे, एक धागे के एक सिरे को दबा कर रखेंगे और दूसरे सिरे से हम उसको नाखून की सहायता से खरोचेंगे। देखिए यहाँ देखिए ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हमने धागे को एक तरफ दबा लिया और दूसरी तरफ ये यहाँ पर अंगूठे के नाखून से खरोच रहा है, ये व्यक्ति खरोच रहा है। अब इससे खरोचने से होगा क्या, देखिए क्या होगा, आप देखेंगे कि धागा पतली पतली कई लड़ियों में विखंडित हो गया है, यह पतली लड़ियाँ तंतु या रेशा कहलाती हैं। देखिए मैंने आपको बताया था बच्चों, इस प्रकार वस्त्र धागों से मिलकर बनता है तथा धागा तंतुओं से या रेशों से मिलकर बनता है। तो अब आपके पास इस प्रश्न का जवाब आ गया बच्चों कि जो हमने दो क्रियाकलाप करे, दोनों क्रियाकलाप ने हमने क्या किया, विभिन्न प्रकार के कपड़ों की कतरन इकट्ठी की और उन कतरनों में पहले हमने धागा निकाला, फिर उन धागों को हमने खरोचा, तो खरोचने से हमें क्या मिला, रेशे मिले। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एक कपड़े का निर्माण कैसे हो रहा है, यानी कि जो वस्त्र हम लोग पहन रहे हैं, जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं, इन वस्त्रों को सिलने का काम कौन करता है, दर्जी करता है। लेकिन ये दर्जी इन वस्त्रों को सिलता कैसे है, कपड़ों से जो हम लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। और ये कपड़े कैसे बन किससे मिलके बनते हैं बच्चों, धागों से मिलके बनते हैं। और ये धागे कैसे मिलके बनते हैं, ये तंतुओं से यानी रेशों से मिलके बनते हैं। और ये तंतु हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये तंतु हमें किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से, किससे, पौधों से, किससे प्राप्त होते हैं बच्चों, पौधों से, और किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से। पौधों से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पादप रेशे, और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे बोलते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं। और मानव के द्वारा फैक्ट्रियों में निर्मित रेशों को हम क्या बोलते हैं, संश्लेषित रेशे बोलते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको समझाया कि आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आज पढ़ाया आपको पादप रेशे कपास के बारे में, मतलब पादप रेशे कौन कौन से पादप रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया। इसके अलावा हमने आपको दो क्रियाकलाप करवाए, दोनों क्रियाकलाप में एक में आपको मैंने ये दिखाया कि जो वस्त्र हैं हमारे पादप रेशों से निर्मित होते हैं, तो लेकिन वो किस प्रकार से जो है उनके अंदर सबसे पहले धागा निकाल के दिखाया कि जो धागा होता है उस धागे से वस्त्र का निर्माण होता है, कपड़े का निर्माण होता है, फिर उसी धागे को खरोचा तो हमने देखा कि ये इसमें छोटे छोटे
तंतुओं से बने होते हैं, ठीक है। तो और एक तालिका मैंने आपको बताई, उस तालिका में मैंने आपको पूरा समझाया कि कौन कौन से रेशे कौन कौन से पौधों से प्राप्त होते हैं और कौन से पौधों के भाग से प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, कल की कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, आगे की कक्षा में आपको बताएंगे रेशेदार पौधों के उत्पादन, यानी कि अगली कक्षा जो होगी हमारी उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊँगा रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार, यानी कि जब हम इन पौधों की जब खेती करते हैं, इनका उत्पादन करते हैं, तो हमें किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है। यदि हमारी मिट्टी उस प्रकार की नहीं होगी तो इसकी फसल अच्छी नहीं हो पाएगी और किसान को घाटा हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।